भैया तीन आईपीएस त्रिशंकु की तरह लटक गए हैं। आईपीएस माने इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के तीन अफसर लटके हुए हैं। केंद्र कह रहा है यहाँ हो, दीदी कह रही नहीं जाना है, और तीनों लटक गए हैं। मामला चर्चित है और इस तरह के वर्चस्व की लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा यह तो समय ही बताएगा। अतः श्री अमित ममता कथा कथा है यह, स्वार्थ की, सियासत की और वर्चस्व की लड़ाई है यह। कौन भारी पड़ रहा है? मामला है 10 दिसंबर का, जब जेपी नड्डा साहब गए थे, जो इनके जुलूस पर ईंट पत्थर से हमला हो गया। यद्यपि जेपी नड्डा साहब को कोई चोट वोट नहीं लगी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुरक्षित बच गए। लेकिन केंद्र ने कहा कि यह हमला कैसे हो गया, कौन लोग हैं जिन लोगों ने हमला किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, किसकी औकात है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन अपराध दर्ज किया और 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अफसरों को तलब किया। इनके नाम हैं भोलानाथ पांडे, प्रवीण त्रिपाठी और राजीव मिश्रा। तीनों विप्र लोगों को तलब किया है। विप्र कहना उचित नहीं है, ये आईपीएस हैं या वर्दी धारक हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं। तो तीनों लोगों को केंद्र ने कहा कि 14 तारीख को आप आइए और बताइए कि कैसे कैसे हुआ, क्यों ना कार्रवाई किया जाए। दीदी ने कहा कि यह संविधान के 7वीं अनुसूची का मामला है और इसमें यह कानून व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों का है, इस पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता और हम इन्हें नहीं जाने देंगे। केंद्र ने कहा आईपीएस हमारा है, यह भारतीय पुलिस सेवा का अफसर है, या हम इसे जब चाहेंगे प्रतिनियुक्ति पर बुला लेंगे। दीदी ने कहा कि हम जाने ही नहीं देंगे, बुला करके बुलाओ, बुला करके देख लो। अब मामला ठन गया है, इनके ऊपर कार्यवाही होना भी सुनिश्चित है, संभवतः यह मामला कोर्ट में भी जा सकता है। अब देखना है कि होता क्या है। ऐसे तमाम मामले हैं दोस्तों जब प्रदेश और केंद्र में ठन गई है। यह अक्सर विधानसभा अध्यक्ष तलब करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष तलब करते हैं, स्पीकर तलब करते हैं, राज्यसभा के सभापति, और ये लोग जाते हैं वहाँ, उनकी सुनवाई होती है। सवाल उठता है कि दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में आईपीएस अफसर करेगा क्या, होगा क्या अंततः? अब यह वर्तमान में प्रदेश सरकार के अधीन काम कर रहे हैं किंतु भारत सरकार के नौकर हैं, भारत सरकार की यह मुलाजिम हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हैं, लेकिन यह प्रदेश सरकार के अधीन है। वर्तमान सरकार, प्रदेश सरकार इनसे काम ले रही है। अब ममता दीदी के स्वभाव से सभी परिचित हैं और गृह मंत्रालय ने तलब किया तो तुम्हारी औकात क्या है? नौकर तो नौकर होता है और नौकर तो जाएगा ही। अब ऐसे तमाम मामले आए जब विधानसभा अध्यक्ष लोगों ने अपने किसी अफसर को कह दिया, कोर्ट ने तलब किया और कहा ही नहीं जाएगा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आप कैसे बुलाएंगे। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष ने भी, सोमनाथ दादा ने भी कई बार कोर्ट को कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं में रहे, अपने अधिकार में रहे। इस तरह से वर्चस्व की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। या भारतीय पुलिस सेवा के जो तीनों अफसर हैं वह क्या करेंगे या तो समय बताएगा। लेकिन जेपी नड्डा साहब पर अगर हमला हुआ है तो आप डिजिटल इंडिया क्या कर रहा है तुम्हारा, तुम्हारा डिजिटल इंडिया, तुम्हारा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट सुनवाई कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, अधिवक्ता एक जगह से अपने घर से बहस कर रहे हैं, नज़ीर पेश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत के लोग भी सुन रहे हैं, निचली अदालतों में भी अब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी, जेल से सुनवाई हो रही है, कोर्ट में जेल में कैदी पेश हो रहा है और कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही है। भैया आप क्यों नहीं सुनवाई कर, वहीं तलब कर देते और पूछते, कोई ज़रूरी था कि यह तेल किसका है जी, यह तेल आम जनता का है जो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। 10 को हमला हुआ, 11-11 में आपकी नोटिस जारी हुई, कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वह तेल नहीं, जनता का खून जलेगा, चाहे दीदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्रालय के लोग हों, यह आम जनता का पैसा है। आपकी सियासत में आम जनता के पैसे से इस प्रकार खिलवाड़ मत करिए हुजूर, किसी ने अधिकार नहीं दिया है आपको इस तरह से बंदरबांट करने का और आम जनता के जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उसे फूंकने का। अब लोगों को लगेगा कि साहब आप तो
प्रतिक्रिया ऐसे ही देते हैं, प्रतिक्रियावादी हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आज नहीं कल जो लोग उल्टा सीधा बोलेंगे उनका ज्ञान चक्षु खुलेगा। ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, इनके दादा का पैसा नहीं है। या जो किसान टैक्स देता है, जो व्यापारी टैक्स देता है, जो मजदूर टैक्स देता है, हम भी टैक्स देते हैं, इसलिए हमें कहने का अधिकार है। और हम टैक्स अगर YouTube के माध्यम से नहीं देते तो भी हमारे घर माचिस जाता है, हमारे घर टाटा का नमक जाता है, हमारे घर अगरबत्ती जाता है, हमारे घर तमाम मसाले जाते हैं, हमारे घर तमाम खाद्य सामग्रियाँ जाती हैं, तो उसमें भी हम टैक्स देते हैं सरकारों को। इसलिए कहा गया है पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता जो दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है, जनता चुप नहीं बैठेगी। रोज हत्याएं हो रही हैं, आप तलब नहीं करोगे, रोज लूट हो रही है, आपको सुनने की फुर्सत नहीं है, रोज राहजनी और छिनैती हो रही है, आपके कान में तेल पड़ा हुआ है, रोज बड़े बड़े यौन उत्पीड़न के अपराध घटित हो रहे हैं, आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, यह सब हरा हरा दिख रहा है, जैसे अरहर अरहर हरा हरा है इसे आप देख रहे हैं, ऐसे ही आपकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है सब हरा हरा आप देख रहे हैं। कब देखेंगे और कब आपकी आंखें ठीक से देखना प्रारंभ करेंगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन जो जिंदा कौमें हैं वह चुप होकर के, हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती। इसलिए इस वर्चस्व की लड़ाई में, इस सियासत की जंग में, यह चैनल ब्रजभूषण मारकंडे आपको बता रहा है, इस वर्चस्व की लड़ाई में त्रिशंकु जो IPS बने हुए हैं, आप उनको तलब करिए, दंड दीजिए, जो भी करना हो, लेकिन आम जनता के गाढ़ी कमाई से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, और इसे रोकने का अधिकार आम जन को है, एक एक नागरिक को है। आज अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए मैं आप सभी को विनम्रता के साथ नमस्कार कर रहा हूँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। सियासत चालू है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, कभी हमला होगा, कभी अन्य घटनाएं होंगी, और बताया जाएगा कि यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तौर पर ध्वस्त हो गई है। यहीं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा है, विजय वर्गीय साहब ने कहा है कि इनके ईंट पत्थर का जवाब हम फूल से देंगे। कितना फूल से जवाब देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन सियासत तो चालू है, और सियासत का परिणाम आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।